एक तरह से कहें तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम प्री पोल अलायंस भी करेंगे, नेशनल लेवल पे लड़ेंगे भी, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आएंगे। तो क्या लगता है कि सभी अपोजिशन पार्टियां एक होकर नरेंद्र मोदी को हराने का प्रयास करेंगी? लगता नहीं हमारा, क्योंकि ये जो आया था 6 पार्टी, इसके अलावा और भी बड़ा बड़ा पार्टी है जो कि इसके साथ नहीं है अभी, तो इसलिए देखता है। मगर हमारा तो सोच है, ये बोल रहा है मगर आखिर तक नहीं होगा, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट संभव नहीं है इतना सारे पार्टियों में, तो इसलिए तब लड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा लड़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेगा। मगर हवा इतना बीजेपी का खिलाफ है, वो अलग अलग लड़ने से भी बीजेपी हारेगा, ऐसा संभावना है। तो इसलिए मेरा तो ऐसा लगता नहीं कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाएगा ये लोग और बना के एक साथ कोई लड़ने का होगा, क्योंकि वामपंथी पार्टी तो ये गठबंधन के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि इसका जो नीतियाँ हैं ये ओपनली नवउदारवादी नीति को खिलाफ नहीं जा सकता। जो न्यूलिबरल पॉलिसी फॉलो करे तो उसको आधार पर हमारा जो लक्ष्य है, जो चाहते हैं हम, वो होने वाला नहीं है। तो ये लड़ाई सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई भी है, विचारधारा का लड़ाई भी है, सब मिला के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कोई अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी लड़ाई से ये हमारा कोई समस्या हाल होने वाला नहीं है, तो इसलिए लगता नहीं ऐसा कुछ होगा।